मोदी नहीं, ये मदारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। 23 सितंबर को 10 बड़ी ट्रेड यूनियन साथी हैं जो पूरे भारतवर्ष के अंदर उस दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे कि मोदी की मजदूर विरोधी नीति है, जो देश को बेचने पे तुला हुआ है, उसके विरोध में हर राज्यों के अंदर, हर क्षेत्रों के अंदर मोदी के खिलाफ देश का मजदूर उतरेगा। क्योंकि आपको मालूम, कोरोना के बाद में देश के अंदर 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार ना तो उनके रोजगार के बारे में सोच रही है ना कुछ है। कभी तो सरकार ने अपने चैनल बना रखे हैं, जो मोदी मीडिया बना रखे हैं, कहीं सुशांत का प्रचार करने लग जाते हैं, कहीं रिया चक्रवर्ती के, कहीं कंगना के, लेकिन देश का किसान मजदूर इसके बारे में कोई भी चैनल बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आज आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर किसान तरह तरह कर रहे हैं, किसान अपनी जी जान के लिए लड़ाई के कोई भी कुर्बान देने को तैयार हैं। इसलिए हमारे बड़े 10 बड़े संगठनों ने भी फैसला किया है कि इस तरीके को हम लोग भी विरोध प्रदर्शन करके मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करके मोदी सरकार को बताएंगे कि अगर मोदी सरकार ने अगर मजदूर और किसानों की बात नहीं सुनी तो मोदी सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। कि आज देश के अंदर मजदूरों के हालात ऐसी हालात हो गई है कि मजदूर ना तो जीने को तैयार है ना मरने को तैयार है। आप जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए हैं, मोदी जी के आने के बाद जो विकास की बात करते थे, आज मजदूरों को विकास के नाम पर उनको जीना दूभर हो गया है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी नहीं, ये मदारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। मोदी जी कहते कुछ हैं, जैसे हमारे देश में आज तक बहुत से प्रधानमंत्री हुए, लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि जो घर के बर्तन जब तक नहीं बिकेंगे, जब तक ये सत्ता के अंदर रहेगा, ऐसे हमारे मजदूरों के अंदर चेतना जग रही है। क्योंकि मोदी जी ने कोई भी सरकारी महकमा ऐसा नहीं छोड़ा है, चाहे रेल हो, चाहे BSNL हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, डिफेंस की हो, ऐसे कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसको बेच कर नहीं जाना चाहता। ये तीन आदमियों की तिगड़ी है, मोदी है, अमित शाह और योगी जी है, ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। आज आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे MP सांसद विपक्ष के लोग होते थे, चुनाव जीतने के बाद उन्हें उम्मीद होती थी कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन अब पार्लियामेंट का शासन चालू हुआ तो मोदी जी ने अपने दिमाग तिगड़म से ऐसा कानून बना दिया कि पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछोगे, खाली वहाँ पे अध्यादेश लागू कर दिया जाएगा। ये देश के अंदर इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन ऐसा इमरजेंसी के अंदर भी नहीं हुआ था। विपक्ष की आवाज़ चुप करने के लिए है, कोई भी नेता विपक्ष के बोले कुछ बोले ED का छापा डलवा देते हैं, उनकी बोलती बंद करा देते हैं, क्योंकि इनके पास सत्ता है पैसों का। आज कौन बोल रहा है? अडानी बोल रहा है, डालमिया बोल रहा है, और बड़े बड़े उद्योगपति है वो बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलने का कारण है। आज आपके देश के जो प्रधानमंत्री है उस दिशा के अंदर ले जाएंगे कि कल को सरकार चलानी होगी तो इन बड़े बड़े उद्योगपति चलाएंगे, उनसे सरकार पैसे लेके चलाएगी। ये मोदी जी नीति चला रखे हैं।